आदर से मैं हूं सैफुल्लाह, आप देख रहे हैं फोर टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजीव योग करनालों के तहत एक दिन में 1,00,000 तकरर नामों की इजराई के इकदाम, सनतकारों के साथ चीफ मिनिस्टर का पीर को अहम इजलास। तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी के बाद टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस की हकीकत आश्कार हो जाएगी, तेलुगुदेशम लीडर नरेंद्र का रिमार्क। तहरीक अदम एतमाद पेश करने का तेलुगुदेशम का फैसला मजाका खेज, सियासी बहरान के खत्म होने के बाद इस फैसले पर बीजेपी को हैरत। कांग्रेस का कोई खुफिया एजेंडा नहीं, बदलते हालात के मुताबिक हिकमत अमली में तब्दीली, सुधाकर रेड्डी की वजाहत। और शहर में कोकीन के कारोबार के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार, जुमला 20 ग्राम कोकीन बरामद, पुलिस ने किया दावा। और अब खबरें तफसील से। राज्य तालीम और रोजगार कौंसिल रीकैप का पहला अजलास पीर 21 नवंबर को सेक्रेटरीट में मुनक्किद होगा। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी सदारत करेंगे। इसके अलावा जुबली हॉल में राज्य युवा करनालों की मीटिंग भी मुनक्किद होगी, जिसमें नामवर सनतकार शिरकत करेंगे। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक दिन में 1,00,000 तकरर नामों की इजराई से मुतालिक इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमतों की फराहमी के लिए खानगी शोबे के साथ भी बातचीत चल रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने मुख्तलिफ शोबों में 80,00,000 मुलाजिमतों की गुंजाइश का तखमीना लगाया है। इक्तसादी खिदमात के हिंदुस्तानी इदारे IIES के जायजे के मुताबिक आला तालीम और तकनीकी तालीमी इदारों से फारिग होने वालों की एक तिहाई तदाद बेरोजगार रह जाती है, क्योंकि इनका निसाब सनती जरूरतों से मेल नहीं खाता। इसके लिए तालीम याफ्ता नौजवानों को तरबियत फराहम करने से मुतालिक भी गौरखौज किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। रियासत के क्याम के बाद से इतनी खराब सूरत हाल आज तक नहीं हुई थी जितनी अब है। किसान, तलबा, मुलाजमीन और मजदूर के अलावा तमाम तबकात सड़कों पर आ गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए यरन नायडू ने कहा कि 2 साल में 3 चीफ मिनिस्टर्स आए, लेकिन वो अवामी मसाइल की यकसोई में नाकाम रहे। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में चीफ मिनिस्टर का रियासती वज़रा और नज़्व नस्क का अहदेदारों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस के तहत हिफाजती इंतजाम में रक्षा बंडा प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गारु प्रवेशपेट्टिन पदकान्नि दिक्कुमालिन पदकम अनि चेप्पि ओक मंत्रि मात्लाडुताडु। ई रोजु रक्षाबंध कार्यक्रमंलो इच्चिनटुवंटि दरखास्तुलन्नी कूडा पोलीसुलु स्वीकरिंचि मुख्यमंत्री गारु हेलीकाप्टर्लो बयलुदेरिपोयिन तर्वात चत्तकुंडील्लो वेस्तुन्नट्टु वार्तलु वस्तुन्नायि। एक्कडैना चूसामा? इदेवा प्रभुत्वं तालूका परिपालन विधानं? రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం ఏ విధంగా ఉందో మీరు చూశారు? ఆరోగ్యం మంచనొక్కింది, మన్యంలో మైదాన ప్రాంతాల్లో హాస్పిటల్లో మందులు లేక డాక్టర్స్ లేక వందలాది వేలాది మంది చనిపోతుంటే డెంగ్యూ మలేరియా విష జ్వరాలకి ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు లేదు. వాస్తవాలు మంత్రి చెప్పాడు, సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నాను అంటున్నాడు। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली नरेंद्र ने कहा है कि तेलुगुदेशम की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद रियासत की हकीकी सियासी सूरतेहाल सामने आएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस और वाईएसआर पार्टियों की वफादारियां भी खुलकर सामने आ जाएगी। नरेंद्र ने कहा कि वाईएसआर की मौत के बाद रियासत में हुकूमत और इंतजामिया नामी कोई चीज़ नहीं है। किसानों के मसाइल हल करने में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। అవినీతి ఊగులో కూరుకుపోయిన సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా అవిశ్వాసం పెట్టడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఖచ్చితంగా రేపు అసెంబ్లీ ఒక వేదిక కాబోతా ఉంది। ప్రజా సమస్యల వైపు ఎవరు నిలుస్తారు?
రైతాంగ పక్షం వైపు ఎవరు నిలుస్తారు, రైతాంగ పక్షానికి అండగా ఎవరు నిలబడతా ఉన్నారు అనేది రేపు అసెంబ్లీ వేదిక కాబోతా ఉన్నా అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే చాలా మంది బీరాలు పరికి నాయకులు ఉన్నారు, వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు మా వెనకాల రోజు పేపర్లో వేసుకుంటారు 29 ఉన్నారు 30 ఉన్నారు 40 ఉన్నారు అని చెప్పేవాళ్ళు. మొన్న చూసా స్పీకర్ ఎన్నికప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా మేము ఎన్నికల్లో మా యొక్క అభ్యర్థిని నిలబెడితే జగన్ వర్గంలో ఉన్న పీఆర్పీ ఎమ్మెల్యేలు పీఆర్పీకి వైపు వెళ్ళారు, కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన జగన్ వర్గం ఎమ్మెల్యేలు జగన్ వర్గం వైపు వెళ్ళారు. भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक तेलुगुदेशम के फैसले को मजा का खेस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर कायद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत के सियासी बोहरान से निकल जाने के बाद तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी का फैसला समझ से बाहर है। उन्होंने एक सवाल पर कहा है कि बीजेपी छोटी रियासतों की तश्कील के हक में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चार हिस्सों में तकसीम को वो कबूल नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी को सियासी तौर पर कमजोर करने की कोशिश है। कोलेन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई खुफिया एजेंडा होता ही नहीं, वो बदलते हालात के साथ हिकमत अमली तब्दील करती है। उन्होंने राउंड टेबल इजलास के मुतालिक चंद्रबाबू नायडू के मंसूबे पर कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं, उनको पहले सीबीआई तहकीकात का सामना करना चाहिए। स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी गारी सारथ्यంలో ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన బి ఫామ్ మీద ఎలక్ట్ అయినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని ప్రజల పక్షాన నిలబడుతూ ప్రజా సంక్షేమ అభివృద్ధి కొరకు మాది మొదటి ఓటు అని చెప్పి మా అభిప్రాయాన్ని ఈ రకంగా మార్చుకుంటున్నాం అని చెప్పడంలో తప్పలేదు. సరే తత్కాలిక ఉద్రేకమా ఏదైందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఏంటి, మరి ఎందుకు పార్టీ వదిలిపెట్టాల్సింది అనేక ఫోరాల్లో మేము మాట్లాడాం. సరే ఇప్పుడు అనేది ఆయన అంశం సపరేట్ నడుస్తుంది. ఏదేమైనా ఎమ్మెల్యేలు ప్రజల పక్షాన నిలబడి అభివృద్ధి కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేయూతనిస్తాము. 2014 వరకు మా నైతిక బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను ఎన్నికై వచ్చామని చెప్పటం సంతోషం. బట్ ఇన్ ద సేమ్ టైం వారందరూ కూడా అసందర్భ వ్యాఖ్యలు ఆనాడు కూడా మేము ఖండించాం, నాయకత్వం మీద పార్టీ మీద రకరకాలుగా మాట్లాడటం జరిగింది. రియాసతి కాబినా మే అన్ఖరీబ్ తౌసీ కియే జానే కే ఇషారే మిల్ రహే హై. సహాఫతి హల్కో మే యే ఖబర్ గరమ్ హై کہ پی آر پی سے کانگریس میں ضم ہو جانے والے گروپ میں سے چند قائدین کو کابینہ میں جگہ مل سکتی ہے. کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، جے کرشنا راؤ اور وائی ایس ویویکانند ریڈی کی جگہ تین نئے وزراء حلف لے سکتے ہیں. یہ توسیع ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے فوری بعد ہو سکتی ہے. ذرائع کے مطابق انکاپلی کے رکن اسمبلی جی سرینواس راؤ اور رکن کونسل سی رام چندرایا کابینہ میں جگہ حاصل کرنے کے دعوے داروں میں سر فہرست ہیں. रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने एसी गार्ड्स के इलाके में पीने के पानी, सीवरेज पाइपलाइन के अलावा बरखी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अंजाम दिया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसी गार्ड के रहने वालों को ड्रेनेज और पीने के पानी की मसाइल की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए 12 लाख रुपये के मसारिफ से इस प्रोजेक्ट को तकमील कर लिया गया, जिससे इनके मसले की यकसुई हो जाती है. जबकि 100 केवीए का ट्रांसफार्मर बर्खी लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जिसे तब्दील करके 160 केवीए का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है,
जिससे बरखी सरबराही में खलल पैदा होने के मसले को दूर किया जा सकता है। इस मौके पर उनके हमराह चिंतल बस्ती डिवीजन की कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना के अलावा दूसरे मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट पल्टन में आरोग्याश्री हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। मुतालिका रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी मजलिस के ताउन से यह हेल्थ कैंप कायम किया गया है। मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के तिबी मुआयने किए और उन्हें दवाएँ भी मुफ्त फराहम की गईं। कायदे मजलिस अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी की बाद अदायगी हज के सफर मुकदस से वापसी की मसरत में मुहिबान मजलिस मजलिसी कारकुनों और अवाम की जानिब से गुलपोशी का सिलसिला जारी है। मंडी मीरालम नूर खान बाजार पुरानी हवेली दारुशिफा अंबरपेट कारखाना सिकंदराबाद और दिगर मोहल्लेजात से मुसलमानों के ग्रुप्स ने कायदे मजलिस से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और कसरत से गुलपोशी की। टीआरएस के सनतनगर हल्के असेंबली के इंचार्ज के श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट डिवीजन में अवामी शऊर बेदारी का आगाज अपनी पार्टी का परचम लहराकर किया। फोर टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की मुखालिफ तेलंगाना सियासी पार्टियां अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक को कभी भी नहीं छोड़ेंगी बल्कि इसमें हर वक्त इजाफा ही होता जाएगा। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने एनएमडीसी मासाब टैंक के करीब एक फुट ओवर ब्रिज के काम का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस इलाके में ट्रैफिक बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से सड़क उबूर करने वालों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जबकि बाज़ वाक़ियात में तो सड़क उबूर करने वाले हादसात में हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेहदीपट्टनम बस स्टॉप और सरोजनी हॉस्पिटल के रूबरू भी ऐसे ब्रिजेस लगाए जाएंगे जिसके लिए फी ब्रिज 12 लाख रुपए के मसारिफ आते हैं और कहा कि इस इलाके में दुकानें स्कूल्स कॉलेजेस और दूसरे इदारे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जिसकी वजह से फुट ओवर ब्रिजेस एक अहम ज़रूरत बन गए हैं। काफ़ी यहाँ पर है तो एक मजलिस की नुमाइंदगी पर एक बहुत अच्छा फुटओवर ब्रिज बना है और एक सेकंड ब्रिज जो है सरोजनी देवी हॉस्पिटल के पास बन रहा है और एक थर्ड फुटओवर ब्रिज जो है मेहदीपट। दरअसल हम कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क्स और दिगर स्टाफ की जायदादों पर तखर्रात के लिए अहलियत इम्तिहान मुनक़िद किया गया। 253 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। वाज़ेह है कि दारुसलाम बैंक का शुमार मुस्तहकम और काबिल एतमाद बैंकों में होता है। सालर मिल्लत ने मुसलमानों की मईशत के इस्तेकाम इनकी कीमती सरमाए का तहफ़ और उन्हें कारोबारी व दीगर अकसाम के खर्जात की फ्राहमी के मकसद से ये बैंक कायम किया था। दारुसलाम बैंक की शहर में 6 शाखें हैं, मजीद 2 ब्रांचेस का क़याम मुतवक्को है। इसमें काम करने वाले मुलाजमीन को रियासती हुकूमत के मुलाजमीन की तरह तनख्वाहें व दीगर सहूलतें मुहैया की जाती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सादत अली अकबर ने इम्तिहान की निगरानी की। बैंक के डायरेक्टर बुरहानुद्दीन ओवैसी ने भी इम्तिहान हॉल का मुआयना किया। रशीद कॉलोनी शास्त्रीपुरम के इलाके में गुज़िश्ता करीब 10 सालों से ड्रेनेज का पानी मैनहोल से उबलकर सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इससे रास्ता चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह वहां का एक डेयरी फार्म है जिसकी गलाजत और कचरा ड्रेनेज के पाइपों में फंसने से ये मसला पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर गंदा पानी बहने से फिजा में ताफून पैदा हो गया है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, खासतौर से छोटे बच्चे और खवातीन इससे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि महकमा बल्दिया से इसकी शिकायत करने के बावजूद मसले की यकसुई करने में टालमटोल से काम लिया जा रहा है। उर्दू हाल हिमायत नगर में सैयद शरीफ खूनमेरी की तसनीफ करदा किताब कुरान और जदीद साइंस की रस्म इजरा तकरीब मुनक़िद हुई। डॉक्टर जियाउद्दीन शकीफ ने रस्म इजरा अंजाम दी। डॉक्टर एम ए तकी ने सदारत की। अंग्रेजी जबान की इस किताब का नूरुल आरिफीन ने उर्दू तर्जुमा किया है। किताबें लिखी हैं
लेकिन उर्दू एक नई जबान है, इसमें इससे पहले चंद किताबें जैसे गुलाम जिलानी बर्फ की किताब दो कुरान छप चुकी थी। अब जो किताब हमारे सामने आई है, जाहिर बात है कि बर्फ की किताब लिखने के कोई 70-80 बरस के बाद आई है। इसमें बहुत सी नई मालूमात हैं और हो ही रहा है कि जितना साइंस की मालूमात बढ़ती जा रही हैं, कुरान के माने समझने में उतनी ही वसत पैदा हो रही है और इसकी वजह से खुद कुरान की रोशनी गैर मुस्लिमों में फैल रही है और मुसलमानों में ख़ास किस्म का अहतमाद पैदा हो रहा है। ये किताब बड़ी मेहनत से लिखी गई है, इसमें बहुत सारी कुरान मजीद की आयतें और उनकी रोशनी में बहुत सारे जदीद साइंसी हकायक, नज़रियात और तसव्वुरात का जायज़ा लिया गया है। और इसके पढ़ने से एक चीज़ तो यह है कि किताब बहुत दिलचस्प है, इसके पढ़ने से आदमी की साइंसी मालूमात में भी इजाफा होगा और कुरानी और मजहबी वसीयत से भी ये किताब दिल और दिमाग। जुबली हिल्स पुलिस ने कोकीन की खरीदो फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जुबली हिल्स पुलिस नरसिंह राव ने मीडिया को बताया कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास पुलिस ने युगांडा के शहरी ई पैट्रिक, सऊदी अरबिया के शहरी अब्दुल अजीज़ अल जवाई और मेहदीपट्टनम के रहने वाले जैन आबेद हुसैन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बिलतरतीब 10 ग्राम कोकीन, 15,000 रुपये नकद रकम, 6 ग्राम कोकीन, 7,000 रुपये नकद और 4 ग्राम कोकीन, 3,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद पर चंद दिनों से कड़ी नज़र रखी थी। इन्हें हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब ये दोनों पैट्रिक के पास से कोकीन खरीद रहे थे। तफ्तीश के दौरान पैट्रिक ने बताया कि इससे पहले भी इस जुर्म में CCS के हाथों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को इतवार के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। पकड़ के पैट्रिक के पास से 10 ग्राम कोकेन और एक अब्दुल अजीज़ अलवाई, एक्चुअली सऊदी दमाम में रहता है, रेगुलरली इंडिया के जाते रहता है, इंडिया का ही चाहे लेकिन दमाम में बहुत सेटल्ड है, ये स्टूडेंट है एक्चुअली, यहाँ पढ़ रहा हूँ और उसका एक दोस्त जैन आबिद हुसैन बोल के यहाँ पे PNT कॉलोनी मेहदीपट्टनम में रहता है, दोनों खरीदने के लिए आए थे, उन लोगों को भी पकड़ लिया। और ये अब्दुल अजीज़ के पास से 6 ग्राम कोकेन और जैन आबिद हुसैन के पास से 4 ग्राम कोकेन और पैट्रिक के पास से 15,000, अब्दुल अजीज़ के पास से 7,000 और जैन आबिद के पास से 3,000 रुपये बरामद किया और उनके ऊपर एक नारकाटिक ड्रग्स का केस भी डाल रहे। ये पैट्रिक इससे पहले जुलाई में CCS वाले अरेस्ट करे थे यही केस में, एक 4 महीने पहले जेल से छुटा हुआ, छुटने के बाद ये फिर यही धंधा करने लगा। हमारी इन्फॉर्मेशन पर उनको पकड़ लिया। मार्केट पुलिस एक मसरूखा मोटरसाइकिल के जरिए मुख्तलिफ जराइम अंजाम देने वालों की तलाश कर रही है। सब इंस्पेक्टर उपेंद्र ने मीडिया को बताया कि अरसे दराज पहले MS मख्तार रूबरू राजभवन के रहने वाले साजिद पाशा ने मार्केट पुलिस में अपनी मोटरसाइकिल का सरखा किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। साजिद पाशा को हाल ही में इनकी मसरूखा मोटरसाइकिल के जरिए ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने का एक चालान वसूल हुआ है जिसे उन्होंने मार्केट पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के सारिखों की नकल व हरकत का पता फलकनुमा पुलिस हदूद में चलाया है जो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी के अलावा रहजनी और दूसरे जराइम में भी मुलविस है। मलकपेट में वाक़े मेरिडियन फंक्शन हॉल से मोटरसाइकिल पर बाहर निकलने वाले 2 नौजवानों को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी जिसकी वजह से ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। कार में 2 अफराद सवार थे जो नशे में धुत थे। मुकामी अफराद ने जख्मी नौजवानों को यशोदा दवाखाना मुंतकिल किया। चादरगढ़ पुलिस ने कार को जब्त करते हुए टक्कर देने वालों को गिरफ्तार कर लिया। नारायणा कॉलेज के गिरफ्तार शुदा मुस्लिम तलबा की हफ्ते की रात जमानत पर रिहाई अमल में आई। रिहाशुदा तलबा ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जमानत की कार्रवाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कानूनी मदद फराहम की गई है और अहमद बलाला ने जमानत की रकम का नारायणा कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से बंदोबस्त करवाया। आखिर में नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तो अहम इजलास
तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी के बाद टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस की हकीकत आश्कार हो जाएगी। तेलुगुदेशम लीडर नरेंद्र करीमा। तहरीक अदम एतमाद पेश करने का तेलुगुदेशम का फैसला मजाका खेज। सियासी बहरान के खत्म होने के बाद इस फैसले पर बीजेपी को हैरत। कांग्रेस का कोई खुफिया एजेंडा नहीं, बदलते हालात के मुताबिक हिकमत अमली में तब्दीली। सुधाकर रेड्डी की वजाहत। और शहर में कोकीन के कारोबार के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। जुमला 20 ग्राम कोकीन बरामद, पुलिस ने किया दावा। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हो। अल्लाह हाफिज़।